वो बच्चा जो 2025 जेई या फिर 2026 जेई के बाद किसी अच्छे IIT NIT या फिर अच्छे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठेगा, और वो बच्चा जो किसी घिसे पिटे प्राइवेट कॉलेज या फिर कैसे भी इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करेगा 2 साल के बाद, उन दोनों में सिर्फ एक बात का डिफरेंस होता है, एंड वो है क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। तो कौन कितना समय अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे देगा, उस पर पूरा का पूरा तुम्हारा जेई जर्नी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। एंड आज मैं तुम्हारे लिए एक द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग गाइड लेके आया हूँ फॉर जेई 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स। तो ध्यान से सुनना इस पूरे वीडियो को, बहुत ही डिटेल में तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ कि कैसे तुम्हें अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन सॉल्व एंड उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि तुम आफ्टर 2025 एंड 2026 जेई एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, विच इंक्लूड्स बुक टेस्ट PYQ DPP मटेरियल एक्सेट्रा। मतलब कि क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब किस चीज का क्वेश्चन सॉल्विंग, बुक हो गया, PYQ हो गया, टेस्ट हो गया, DPP हो गया, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी गोइंग टू सॉल्व टुडे, कौन से हम चीजों को आज सॉल्व करने वाले हैं एंड कौन से चीजों पे हम आज मेजरली फोकस करने वाले हैं। बेस्ट बुक एंड मटेरियल टू सॉल्व फॉर जेई मेन एंड एडवांस, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे। सेकेंड, हाउ टू सॉल्व दीज मटेरियल टू कीप इट रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें ताकि बहुत लंबे समय तक हमें याद रहे इसके क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ताकि तुम्हें आसानी हो जेई के समय। देन क्वेश्चन सॉल्विंग स्केड्यूल हम डिस्कस करेंगे, कैसे तुम्हें अपना स्केड्यूल फिक्स करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कैसे रखने चाहिए, रिविजन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs एंड देन सम कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। आज हम ये सब चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं तो हमारे पास है बेस्ट बुक एंड मटेरियल्स क्या होते हैं। देखो, पॉइंट नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोचिंग मटेरियल एंड PYQ इज सफिशियंट एंड इनफ फॉर योर जेई प्रिपरेशन फ्रॉम मेंस लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है, ये तुम्हारा इनफ है एंड सफिशियंट है, कोचिंग मटेरियल एंड PYQ। ठीक है, एंड कोचिंग मटेरियल बहुत लोग पूछते हैं कौन से कोचिंग का भैया, तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू रेजोनेंस का, क्योंकि रेजोनेंस में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से उसको बनाया गया, उसके क्वेश्चन जो पीछे के एक्सरसाइजेस उनको बहुत ही मतलब अच्छे से बनाया गया, तरीके से बनाया गया, टॉपिक वाइज बनाया गया, इसीलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। तो अगर तुम कहीं से इसका जुगाड़ कर पाते हो तो ठीक है, अगर तुम कोचिंग जाने वाले बच्चे नहीं हो या फिर तुम कोई और कोचिंग में जाते हो, लेकिन अगर तुम इसका जुगाड़ कर पाते हो तो ठीक है। ये तुमको कहाँ मिल सकता है, टेलीग्राम ग्रुप्स मिल सकता है, ऑनलाइन तुम सर्च करोगे बहुत सारे पायरेटेड वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहां से ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर तुम कोचिंग में जाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। एंड कोई और कोचिंग में अगर जा रहे हो, कोचिंग मतलब इंस्टीट्यूट बड़ा कोचिंग है लाइक एलन फिटजी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, विद्या मंदिर को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस का फिर उसमें जरूरी नहीं है, तुम्हारा जो कोचिंग का है वही तुम अपना मटेरियल उठा सकते हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा में कौन कौन सा आ जाता है, अगर तुम अपना कोचिंग मटेरियल पूरी तरह के सॉल्व पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व कर लियो, देन तुम्हें इसके अलावा इन बुक्स पे आना है, या फिर अगर तुम कोचिंग मटेरियल्स नहीं जुगाड़ कर पा रहे हो अपने लिए या फिर तुम कहीं से भी मतलब नहीं ले पा रहे हो कोचिंग मटेरियल का हेल्प, तब तुम इन बुक्स पे जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम कोचिंग के स्टूडेंट नहीं हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी वाले हो या फिर ऑनलाइन वाले हो, तब इन बुक्स पे जा सकते हो। एंड हाँ, तो मैथ्स के लिए सिंगेज प्लस ब्लैक बुक बाई बालाजी पब्लिकेशंस, ब्लैक बुक देख लो कैसा होता है ये है। इसे किसने लिखा है, पंकज जोशी और विकास गुप्ता ने लिखा है, एडवांस प्रॉब्लम मैथमेटिक्स फॉर जेई बाई बालाजी पब्लिकेशंस का आता है, तुम ये खरीद सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर एडवांस लेवल, तो तुम्हें ये दोनों बुक सॉल्व करनी है मैथ्स के लिए। नेक्स्ट अब बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में HC वर्मा प्लस DC पांडे हो जाएगा, मस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके अलावा फॉर एडवांस लेवल रेसनिक हैलिडे क्रेन या फिर IE इरोडो ले सकते हो, तो रेसनिक हैलिडे का बुक तुम देख सकते हो, ऐसा होता है कुछ, दो वॉल्यूम में आता है, बराबर मोटा मोटा बुक होता है, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो VK जायसवाल आता है तुम्हारा बालाजी पब्लिकेशन में अगेन, एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो NAVASTI प्लस RC मुखर्जी आता है बालाजी पब्लिकेशन में, एनी वन तुम्हें लेना, कोई वन RC मुखर्जी का बुक ये है। ठीक है, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा NAVASTI बिकॉज इसमें बहुत ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन दिए हुए हर एक लेवल के साथ, एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई MS चौहान, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तुम्हें ये लेना है आंख बंद करके, वाले जो पब्लिकेशन में आता है ये अगेन। ठीक है, बाई MS चौहान ये वाली बुक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, मेक अ प्रॉपर नोटबुक फॉर द रिकॉर्ड। बहुत लोग होते हैं जो इधर उधर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, अपना
मॉड्यूल पे सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, रफ में सॉल्व कर लेते हैं और सोचते हैं क्वेश्चन हो गया। नहीं, एक अच्छा प्रॉपर नोटबुक बनाओ हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ताकि तुम एक रिकॉर्ड रख सको अपने पास, एंड उसको ठीक 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 हैंडराइटिंग में, ये भी नहीं बोल रहा मल्टीपल पेन यूज करो या फिर बहुत ही ज्यादा सजा सजा के लिखो, नहीं, ठीक ठीक हैंडराइटिंग में, रफ भी चलेगा हल्का सा, लेकिन प्रॉपर एक नोटबुक बना के सॉल्व करो। चलो मान लो कि मतलब तुमने नोटबुक बनाया और उसमें ऐसे लिख दो क्वेश्चन नंबर वन एंड उसको सॉल्व कर दो, चाहे रफ में ही सॉल्व करो, फिर लिखो क्वेश्चन नंबर टू एंड उसको सॉल्व कर दो, ठीक है, ऐसे तुम्हें एक नोटबुक बना लेनी है। सॉल्विंग सिस्टमैटिकली इन इंक्रीजिंग लेवल, तो तुम्हें क्वेश्चंस को या फिर जो एक्सरसाइज होगा या फिर बुक्स होगा उसको तुम्हें सिस्टमैटिकली सॉल्व कर लिए इंक्रीजिंग लेवल, ये नहीं कि तुम सीधे इरोडो उठा लिए कि सीधे तुम एडवांस लेवल ही बना रहे हो, नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, लेवल जीरो से स्टार्ट करना है, फिर वन पे जाना है, टू पे जाना है, सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, फिर लेवल वन लेवल टू ऐसे करके प्रोसीड करना है। हर बुक में लेवल वाइज डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें बनाने हैं, ठीक है, कि एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, तुम्हारा मैच द कॉलम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह के क्वेश्चंस, तो तुम्हें डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसकी भी टेंशन मत लो। फिर स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस राइट आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक, जैसे ही तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तुम्हें क्वेश्चंस को अपना सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है, यूज सॉल्व एग्जाम्पल्स टू, तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल का भी हेल्प लेना है, तो तुम ये नहीं करोगे कि भाई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, नहीं, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग शुरू कर देनी है, वो तुम्हें बुक में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के भले ही सॉल्व करो लेकिन करो, अगर कोचिंग मटेरियल होगा तुम्हारे पास उसमें दिया रहता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें, या फिर डीपीपीज मिलती है तुम्हें, या फिर तुम सॉल्व एग्जाम्पल अगेन यूज कर सकते हो किसी भी बुक का, या फिर नोट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको तुम दोबारा घर जाके बना सकते हो या फिर लेक्चर के बाद बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सर्कल मान लो पढ़ना स्टार्ट किया, सर्कल चैप्टर मैथमेटिक्स का, एंड उसमें तुमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल का तुरंत जाके क्वेश्चन बना लेना आफ्टर द लेक्चर, एंड फिर तुमने कंप्लीट किया टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो टेंजेंट ऑफ सर्कल का, फिर तुमने कंप्लीट किया फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंप्लीट कर लो, ऐसे करके कंप्लीट करना, ये नहीं कि तुम एक बार में कंप्लीट करने जाओगे, नहीं, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना है। अवॉइड वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है अप टू आधा घंटा, तो वो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, वो तुम्हें नहीं बनाना है, ठीक है, उसको फिर तुम अलग से डाउट में पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, किसी मेंटर से पूछ सकते हो, किसी भी पूछ सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं तुम्हें बर्बाद करना है, तुम्हारा एक एक समय कीमती है, एंड वो क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो कोई को तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे हम आ रहे हैं, ठीक है, अब और भी तुम्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है एंड फोकस करने की जरूरत है। कीप अ रेड पेन और पेंसिल विथ यू टू मार्क, क्या तुम्हें मार्क करना है, ई ए टी डी, ई मतलब इजी, ए मतलब एवरेज, क्वेश्चन के बगल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसके बगल में ई ए ई टी डी, डी मतलब डाउट या फिर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड डाउट को तुम्हें जाके पूछना भी है, एंड एक सजेशन मैं और करूंगा, एक सजेशन और दूंगा कि डाउट का एक अलग नोटबुक बना लेना, ठीक है, डाउट का एक अलग नोटबुक बना लेना जिसमें तुम अपने टीचर से डाउट सॉल्व करवाओगे, ताकि वो तुम्हारा डाउट एक जगह रहे, जब भी तुम रिविजिट करो मॉड्यूल को तो तुम्हें डाउट का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए, ठीक है, जरूरी नहीं एकदम सुंदर नोटबुक होना चाहिए, चाहे रफ ही हो लेकिन अलग से डाउट का नोटबुक बनाना, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये क्वेश्चन मैंने डाउट में पूछा था, तो मैं डाउट कॉपी में अपने देख लेता हूँ, वहां पे मुझे मिल जाएगा, ये मिस्टेक मैंने अपने समय में की थी, तुम ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। इजी एवरेज टफ डाउट, इसका यूज क्या होगा भैया, इसका यूज होगा कि तुम जब मॉड्यूल रिविजिट करोगे तो तुम एवरेज और टफ क्वेश्चन या फिर ओनली टफ क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो बैठ के, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एंड अदर तुम सिंबल्स बना सकते हो, जैसे स्टार हो गया, डबल स्टार हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेट्रा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हें क्या उसके आगे लिखना है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है रिविजन करते समय, तो इसको करना जरूर, ठीक है। वही इट हेल्प फॉर रिविजन एंड रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट, एंड जब भी तुम कॉन्सेप्ट रिविजिट करोगे एंड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करनी होगी, उससे रिलेटेड कोई भी टफ क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करनी होगी, तो तुम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। योर मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन एंड अप्रोच इट, तुम्हारा मेन गोल ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है भैया, नहीं, तुम्हारा मेन गोल ये है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करूं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना इज, इसको समझना तुम्हारा पर्टिकुलर गोल है, ठीक है, तभी तुमसे जेई एडवांस तक लेवल का पेपर क्रैक होगा, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में क्या, कि भैया मुझे सारे लेक्चर समझ आते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है,
एंड कोई भी मतलब शर्म वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका वेरी इजी सॉल्यूशन है, अगर तुम ये कर लो तो फ्यूचर में तुम्हें ऐसी दिक्कत कभी नहीं आने वाली। इनफैक्ट तुम बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाओगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज में। सॉल्यूशन क्या है, यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन। तो तुम्हारे में यही दिक्कत है कि तुम कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कर नहीं पा रहे हो या फिर तुम्हें करने नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यूज फर्स्ट डिस्कशन वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब ऑफ गुड एडुकेटर और चैनल। तो तुम्हें यूट्यूब पे अच्छे डिस्कशन वीडियोस देखने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर सब्जेक्ट का विथ फ्रॉम अ पर्टिकुलर गुड एडुकेटर और चैनल। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा अनअकैडमी जेई पे, तुम्हें कैसे याद होगा, लाइक अनअकैडमी जेई पे एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं डीपीपी या फिर मैराथन सीरीज या फिर ऐसे करके कोई क्वेश्चन सीरीज होती है। अनअकैडमी पे बहुत सारा आते रहता है, फिजिक्स वाला पे भी आते रहता है, जिसपे क्वेश्चन वो लोग खुद से सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, उसको बोलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोस। तो वो तुम्हें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस केस में, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने नहीं आता है, उससे तुम सीखोगे कैसे कोई बंदा कॉन्सेप्ट को लेके अप्लाई करता है किसी क्वेश्चन में, या फिर जेई एडवांस के तुम डिस्कशन वीडियो देख सकते हो, एक्सेट्रा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सॉल्व एग्जाम्पल्स। तुम सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हो, सबसे इजी मेथड है कॉन्सेप्ट अप्लाई करने। अगर तुमको सीखना है तो सीधे सॉल्व एग्जाम्पल तुम जाओ उठाओ एंड उसको समझ के सीखो। एंड तीसरा, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं डाउट नट, ये भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सीखने के लिए। इस पर भी एडुकेटर आते हैं, कुछ कुछ अननोन एडुकेटर्स, एंड वो सिखाते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो तुम इन सब का हेल्प ले सकते हो या फिर किसी दोस्त का अपना हेल्प ले लो, एडुकेटर मेंटर किसी का भी हेल्प ले लो। ऑल्सो मेक अ कॉपी वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉपी को हम एक नाम देंगे, ठीक है। इस कॉपी का नाम होगा कॉपी ऑफ कोल्स, जस्ट ऐसे एक नाम दे दिया, ठीक है, कॉपी ऑफ कोल्स, कोल्स कोयला, ठीक है। तो ये कॉपी बनाना है तुमको, ये मस्ट कॉपी तुमको बनाना है, डाउट कॉपी के अलावा ये कॉपी बनाना है। इसमें मैं बताता हूं करना क्या है तुम्हें। इसमें क्या करना है, जैसे तुमने कॉपी लिया, तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, चाहे वो मॉड्यूल का हो गया, चाहे वो PYQ का हो गया, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो गया, चाहे वो मॉक टेस्ट का हो गया, चाहे वो बुक का हो गया, कहीं का भी क्वेश्चन उठाया उसको बनाया, वो तुमसे नहीं बना, वो डिफिकल्ट लगा या फिर डाउट हो गया या फिर उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लिक नहीं हुआ टाइम पे, मॉक टेस्ट में तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ टाइम पे, तो तुम्हें करना क्या है, इसका क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे लिखना है इस कॉपी में। एंड क्या लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं छाप देना एकदम लाइन बाय लाइन, तुम्हें सिर्फ लिखना है क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, गिवन पार्ट एंड आस्क्ड पार्ट, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें लिखनी है तुम्हें क्वेश्चन में अपने भाषा में एकदम शॉर्ट में। फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट लिखना है क्या अप्लाइड हुआ, ठीक है। एंड तुम्हें थर्ड में अप्रोच लिखना है कि कैसे अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तुम्हें ये तीन चीजें लिखनी है उस पर्टिकुलर कॉपी में, एंड हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना लेना, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन इन सम टाइम बाउंडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ टाइम बाउंडेशन में कोशिश करो अपना क्वेश्चन सॉल्विंग करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, वो तुम अपने मैं तुम्हारे बुद्धि पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें कितने टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इजी टफ डिफिकल्ट के हिसाब से अपना डिवाइड कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड, क्वेश्चन सॉल्विंग शेड्यूल सेट करना है। इफ यू आर अ नाइट पर्सन, लेट नाइट करना, ठीक है, लेट नाइट बैठना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इफ यू आर अ डे पर्सन, मतलब अगर तुम दिन में जल्दी जग जाते हो, तो अर्ली मॉर्निंग में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है तुम्हें, एंड एट लीस्ट 2 आवर ऑफ सिटिंग लगानी है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड वीकेंड्स पे तुम मॉक एनालिसिस कर सकते हो बैठ के, जो तुम मॉक टेस्ट दोगे उसके एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। एंड 2 आवर एटलीस्ट तुम्हें सिटिंग देनी है, ये नहीं कि तुम 1.5 घंटा में उठ गए, 1 घंटा में उठ गए, 45 मिनट में उठ गए, 1 घंटा 45 मिनट में उठ गए, 1 घंटा 59 मिनट में उठ गए, नहीं, 2 घंटे तुम्हें एटलीस्ट बैठना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड फोर्थ, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो देखते हैं, जल्दी देखते हैं। रिविजिट मॉड्यूल्स और बुक्स, बुक्स टफ क्वेश्चन, मतलब मॉड्यूल्स या फिर बुक्स के टफ क्वेश्चन को रिविजिट करना है, ठीक है। दैट कॉपी ऑफ कोल्स डिस्कस्ड अबव, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, कॉपी ऑफ कोल्स को तुमको पढ़ना है बार बार, उसको हर वीकेंड, हर रात या फिर हर दिन उठ के पढ़ना है उस कॉपी को, ठीक है। जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार उसको रीडिंग देना तुम्हें हर रोज या फिर हर 2 दिन पर, 3 दिन पर, तुम अपना फ्रीक्वेंसी खुद से सेट कर लो, कि कॉन्सेप्ट बार बार तुम्हें क्लिक हो जाए पेपर में, कॉन्सेप्ट क्लिक होना ईजी हो जाए तुम्हें समय पे, ठीक है। इसलिए उस कॉपी ऑफ कोल्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, टेस्ट पेपर एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है, अगेन टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कॉपी ऑफ कोल्स में डालो एंड उसका कॉन्सेप्ट एक बार अपने नोट में जाके पढ़ लो, एंड नोट्स में नहीं पढ़ सकते तो लेक्चर देख लो वन शॉट, ठीक है। तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस तुम ऐसे कर सकते हो।
नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम रिविजिट कर सकते हो एंड डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रोवाइड होती हैं कोचिंग मटेरियल, या फिर तुम कहीं बाहर से भी ले सकते हो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसको तुम सॉल्व करके रिविजन कर सकते हो। फिर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ अ सर्टेन चैप्टर इज बेस्ट वे टू रिकॉल एवरी चैप्टर। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को रिकॉल करने का बेस्ट मेथड क्या है? सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर। मान लो कि अगर तुमने क्लास 11th में कभी तो स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था एंड तुम उसको भूल गए, तो बस उसका क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो, तुम्हें सब याद आते चले जाएगा। भले ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूलाज दिमाग में ना आए, तो एक नोट अपना साइड में खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड नोट से तुम्हारा फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, जो भी हेल्प लेना ले लो, तुम्हें वो सब वापस याद आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बात करते पीवाईक्यूज की। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर्स एट लीस्ट मेंस पार्ट, तुम्हें अपना पीवाईक्यूज कब सॉल्व करना करना स्टार्ट करना है? बहुत लोग पूछते हैं कि पीवाईक्यूज सॉल्व करना कब स्टार्ट करो अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान, तो फिर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर। जैसे तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तुम्हें पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन के जस्ट बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है पीवाईक्यूज का। कहाँ से सॉल्व करना है? बाई पीवाईक्यू बुक। ठीक है, चैप्टर वाइज बुक होना चाहिए वो, और मेन प्लस एडवांस का होना चाहिए। भले ही तुम सिर्फ मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें फिर भी मेन प्लस एडवांस का बुक खरीदना है, बिकॉज एडवांस्ड के जो ओल्ड क्वेश्चन आते थे 1990s के, या फिर जो एडवांस का सिंगल चॉइस आता था क्वेश्चन, वो सब भी तुम्हें सॉल्व करना है अपने मेन के प्रिपरेशन में भी। एंड पीवाईक्यू लेना चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज इज इंपॉर्टेंट। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ एमटीजी पब्लिकेशन का, क्योंकि उसका सोल्यूशन वेरी एक्यूरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ कॉमन प्रॉब्लम से बात करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक टाइम, इट टेक मोर टाइम। भैया क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होता है, तो ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के कारण हो रहा है। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइंड द बेस्ट इफिशियंट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट इफिशियंट मेथड तुम्हें ढूंढना है। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व हो गया तो उसको सॉल्व करके छोड़ दिया, नहीं। उसका चार अगर मेथड है, तो तुम्हें चारों मेथड आने चाहिए एंड सबसे इफिशियंट मेथड बहुत ही अच्छे से तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, नो द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। तुम्हें जो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है वो तुम्हें रिमेम्बर्ड होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है, अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक चीज मैंने बताया। एंड एक चीज और, हाउ टू सॉल्व और स्टार्ट सॉल्विंग एडवांस्ड प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस्ड, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड तब तक के लिए इतना ही गाइज। अगर तुम्हें और भी कोई डाउट हो किसी चीज को लेके, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय एवरीवन, बाय। एंड हाँ, अगर तुम्हें और भी कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एंड